ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिल्ली सेलिब्रेट फ्रीडम 75 जश्न का आगाज किया। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंच पर तिरंगा झंडा लहराया और कहा कि हम भारत को पूरी दुनिया में नंबर वन देश बनाएंगे। आज़ादी के 75 साल आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी के 75 साल सभी देशवासियों को, सभी भारतीयों को बहुत बहुत मुबारक हो, तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक। ये समय है उन सब शहीदों की शहादत को याद करने का, जिन लोगों ने हमें आजाद कराने के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए अपनी शहादत दी थी। यह समय है उन हजारों हजारों लोगों के संघर्ष को याद करने का, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आजादी के वक्त उन सब लोगों ने सपने देखे थे भारत के। ये समय है उन सपनों को याद करने का कि आजादी के वक्त क्या सपने देखे गए थे। उनमें से कई सपने पूरे हुए पिछले 75 साल में। ये समय है पिछले 75 साल में हमारे भारत ने ढेरों उपलब्धियां की, कई सपने पूरे हुए, उन सभी उपलब्धियों को याद करने का। यह समय है उन सपनों को भी याद करने का जो अभी पूरे नहीं हो पाए, और यह समय है यह संकल्प लेने का कि उन सभी सपनों को हम सबको मिलकर पूरा करना है। दोस्तों, आपकी सरकार ने 75 साल आजादी के 75 साल मनाने के लिए ढेर सारे प्लान बनाए हैं, बहुत व्यापक प्लान बनाया है, भव्य प्लान बनाए हैं। हमारे दिल्ली के स्कूलों के अंदर पहली बार, ये देश में पहली बार होगा कि हमारे दिल्ली के स्कूलों के अंदर देशभक्ति की स्पेशल क्लासेस लगाई जाएंगी। बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर के पूरे संदेश को, किस तरह से उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, हमारा संविधान बनाया, उसको घर घर तक पहुंचाया जाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह इतने बड़े बड़े तिरंगे लगाए जाएंगे। 500 जगहों के ऊपर इतने बड़े बड़े तिरंगे लगाए जाएंगे। जब हम अपने तिरंगे की तरफ देखते हैं तो एक दिल के अंदर कुछ कुछ होता है, होता है कि नहीं होता है? यह तिरंगा आपको याद दिलाएगा उन ढेरों सैनिकों की जो आज बॉर्डर के ऊपर हमें सुरक्षित रखने के लिए रोज कुर्बानियां दे रहे हैं। दोस्तों, हमारे 130 करोड़ देशवासियों के सपने हैं जो भी अधूरे हैं। हमारे देशवासी चाहते हैं कि देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, हर एक के तन पे कपड़ा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर बच्चे को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर का बच्चा हो, उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हर इंसान को, हर भारतवासी को जो इस देश में पैदा हो गया, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर वो बीमार हो जाए तो उसको अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये हमारा सपना है कि नहीं है? हर आदमी के सर पे, हर भारतवासी के सर पे छत होनी चाहिए। ये कुछ सपने हैं जो अधूरे रह गए,
जो हमारे 130 करोड़ देशवासियों के आज सपने हैं। हर हाथ को काम होना चाहिए, हर व्यक्ति को रोजगार होना चाहिए, जो काम करना चाहता है उसको काम मिलना चाहिए और उसको उसके काम का पूरा दाम मिलना चाहिए। हर किसान को, हर मजदूर को अपने काम का पूरा दाम मिलना चाहिए। हर एक को बिजली मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजली इतनी महंगी हो जाए कि पैसा है तो बिजली है, पैसा नहीं है तो बिजली नहीं है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली पूरी देश नहीं पूरी दुनिया का अकेला शहर है जहां 24 घंटे बिजली फ्री मिलती है। सभी धर्म और सभी जातियों के अंदर प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, बराबर अधिकार मिलने चाहिए। मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? तो आज 75 आजादी के 75 साल में हम सब देशवासी मिलके संकल्प करते हैं कि भारत के इन अधूरे सपनों को हम जल्द पूरा करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर भारत को नंबर 1 देश बनाएंगे। दोस्तों,